अगर आप फिनलैंड में किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में जेन 23 इनटेक में हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, तो आज हम आपको एक रिनाउंड फिनिश यूनिवर्सिटी यानी कि टुर्कू यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज के जेन 23 इनटेक के कोर्सेज, उनकी ट्यूशन फीस, स्कॉलरशिप क्राइटेरिया एंड एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। सो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, मैं प्रोफेसर रोहित गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ स्पेक्ट्रम ओवरसीज जलंधर। लगातार स्टडी वीज़ा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो जल्दी से बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं अबाउट टुर्कू यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज। इस यूनिवर्सिटी में तकरीबन 11,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं एंड इट हैज़ अराउंड 800 स्टाफ मेंबर्स। सो दिस मच बिग इज़ द यूनिवर्सिटी ऑफ टुर्कू यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज। इसमें 204 ऑन गोइंग रिसर्च डिवेलपमेंट एंड इनोवेशन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इसके दो कैंपसेज हैं मेजर सिटीज़ में एंड इट हैज़ टाई अप विद 350 यूनिवर्सिटीज इन 50 डिफरेंट कंट्रीज। सो दिस इज ब्रीफली अबाउट टुर्कू यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज। जनवरी 2023 इनटेक में ये कौन से कोर्सेज ऑफर कर रही है? इट हैज़ टू मास्टर कोर्सेज फॉर दिस इनटेक, दैट इज मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन सेल्स मैनेजमेंट। इसमें जो नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं जैन 23 इनटेक के लिए, दैट आर 25। एंड अगर बात करें ट्यूशन फीस की, तो बोथ कोर्सेज हैव ट्यूशन फी ऑफ 11,500 यूरोस पर एनम। ट्यूशन फीस के बाद हम आ जाते हैं स्कॉलरशिप पे। स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, आपको सबसे पहले इस ट्यूशन फीस को पे करना होगा। स्कॉलरशिप मिल सकती है आपको फिनलैंड जाने पे फिनिश लैंग्वेज एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, जब आपको यो जो नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन फिनिश लैंग्वेज, जो आप एग्ज़ाम क्लियर करके वो सर्टिफिकेट ले लोगे, उसके बाद आप 4,000 यूरोस तक स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है, जो कि आप 4,000 यूरोस का स्कॉलरशिप का रिफंड अप्लाई करेंगे फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पे 11,500 यूरोस एज योर ट्यूशन फीस। सो दिस इज अबाउट स्कॉलरशिप। एंड अबाउट एडमिशन क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं, तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आ जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको बैचलर्स रिक्वायर्ड हैं एंड बैचलर्स के बाद आपके पास 2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ओनली देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस मास्टर्स प्रोग्राम्स। एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें, तो देर इज़ एन ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन टू दीज मास्टर्स प्रोग्राम, जो कि 25 अक्टूबर को है एंड इट इज़ बिटवीन 9 to 11 AM फिनिश टाइम। इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोई भी सिलेबस इन्होंने नहीं दे रखा, कोई भी प्री मटेरियल अवेलेबल नहीं है। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको ये 100 पॉइंट्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, जिसमें से पासिंग मार्क्स हैं 20 पॉइंट्स। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको जो असाइनमेंट्स आएंगी, दे विल बी रिलेटेड टू योर चूजन मास्टर कोर्स एंड उन असाइनमेंट्स के आपको आंसर करने होंगे बेस्ड ऑन मटेरियल प्रोवाइडेड इन द एंट्रेंस एग्जाम। सो दिस वॉज द एडमिशन क्राइटेरिया। दिस वॉज ऑल अबाउट टुर्कू यूनिवर्सिटी जेन 23 इनटेक कोर्सेज। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी एंड अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने क्वेरीज हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू।